मनवा के अपने सब खोला हो, बोला जय भीम बोला। अरे हथवा में लेके चमरवा के छपका, अरे जहिलवन के पोकला निकोला हो, बोला जय भीम बोला। बोलिए जय जय श्री राम। अंबेडकर जी का सवाल यही है आपसे, अंबेडकर जी के कुछ योगदान बताइए भारत के निर्माण में, संविधान को छोड़ के। संविधान में वो अकेले नहीं थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, क्वालिफिकेशन और आईक्यू इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने संविधान संविधान के जो मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे उनमें केवल एक लोग थे जो बाबा साहब के लेवल के पढ़े लिखे थे, बाकी उतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं थी। और बाबा साहब ने, ध्यान रखना, संविधान भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके पहले पेज पे राम दरबार स्थापित किया है। और ये जो अंबेडकर का नाम लेके खाली चश्मा लगा के नीला कोट पहनने से अंबेडकर नहीं बन जाएगा कोई, और ना ही अंबेडकर को गाली देने से कोई बराबरी कर पाएगा। भाई साहब चमड़ी उधर जाएगी उतनी डिग्रियां इकट्ठा करने में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान को छोड़ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दो योगदान ऐसे बताइए जो भारत के निर्माण में हो। अंग्रेजी शासन सत्ता के बाद, अंग्रेजों के शासन के बाद बहुत स्ट्रांग दो नियम ऐसे लाए, दो नियम ऐसे लाए। हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने एक नियम लाया था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। ध्यान, नहीं नहीं इस चक्कर में मत रहना, बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने महिलाओं को अंग्रेजों और मुगलों के शासन काल के बाद महिलाओं को फिर से जो भूल गई थी महिलाएं, हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी कात्यायनी जैसी विदुषियां हुई हैं। भारतीय परंपरा में महिलाओं को हमेशा अधिकार था, लेकिन मुगल काल और अंग्रेजों का काल ऐसा चला कि महिलाओं, ये महिलाएं हमारी कुरीति की शिकार हो गई, और उसी को फिर से बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का संवैधानिक हक दिलाया। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। अरे मनवा के अपने तू खोला हो, मन को खोलो, दिल को खोलो, पढ़ो उनके बारे में, पढ़ो परशुराम जी के बारे में, पढ़ो श्री राम के बारे में, पढ़ो कृष्ण के बारे में, पढ़ो अंबेडकर के बारे में और बुद्ध के बारे में। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाली बात मत करिए। बोलिए जय श्री राम।